हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल एसएमडी कंपोनेंट रजिस्टर के बारे में। रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, रजिस्टर को कैसे चेक किया जाएगा, रजिस्टर का ग्राफिक सिंबल क्या होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रजिस्टर को हिंदी में अवरोधक भी कहते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको रेजिस्टेंस बोल देते हैं, जो कि गलत है। इसकी जो वैल्यू होती है वो रेजिस्टेंस होती है। जैसे कि इसके नाम से हमें पता लग रहा है कि इसका नाम है अवरोधक, यानी कि रेजिस्टेंस। रजिस्टर जो होता है करंट के रास्ते में अवरोध पैदा करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रजिस्टर होते कितने प्रकार के हैं, और इस रजिस्टर को पहले हम पूरा नाम दे देते हैं। इस रजिस्टर का नाम है SMD, सरफेस माउंटिंग डिवाइस, या फिर सरफेस माउंट डिवाइस रजिस्टर। रजिस्टर दोस्तों ओल्ड सर्किट में आता था, उस सर्किट को हम TST टेक्नोलॉजी कहते थे। TST यानी कि थ्रू होल टेक्नोलॉजी। प्रेजेंट टाइम में जो डिजिटल या फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो चल रही है आजकल, उसको हम SMD टेक्नोलॉजी कहते हैं, सरफेस माउंट डिवाइस। मतलब अगर समझ में ना आया हो तो आप ऐसे समझ सकते हैं, SMD कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जो मदरबोर्ड के ऊपर चिपके हुए होते हैं, और TST टेक्नोलॉजी कंपोनेंट वो होते हैं जो होल के थ्रू मदरबोर्ड के अंदर लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा पुराने जो मदरबोर्ड होते थे उनके अंदर कंपोनेंट होल के जरिए अंदर डाले जाते थे, जबकि अब जो SMD कंपोनेंट है वो प्लेट के ऊपर डायरेक्टली लगे हुए होते हैं सोल्डर के थ्रू। टाइप ऑफ रजिस्टर, नंबर वन नॉर्मल नॉर्मल रजिस्टर, जो नॉर्मल रजिस्टर होता है वो दोनों साइड से मेटल होता है, जिससे ये मदरबोर्ड के अंदर शोल्ड होता है, चिपका हुआ होता है, और बीच से होता है ये ब्लैक। इसको हम कहते हैं नॉर्मल रजिस्टर। सबसे ज़्यादा मोबाइल PCB के अंदर ये रजिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये नॉर्मल रजिस्टर है, जो कि बीच से ब्लैक है, दोनों साइड से मेटल है। मदरबोर्ड के अंदर सबसे ज़्यादा रजिस्टर आपको देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हो। तो दोस्तों रजिस्टर जो होते हैं वो पैरेलल और सीरीज दो तरह से लगे हुए होते हैं। तो ये सभी रजिस्टर हैं जो आप देख पा रहे हो, ये iPhone 6 की PCB है, और इसमें आप जो देख रहे हो ये सभी रजिस्टर हैं। ये देखिए रजिस्टर है, ये कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये भी है। फ्यूज रजिस्टर, ये भी दोनों साइड से मेटल होता है, लेकिन बीच में यहाँ पर एक जीरो जैसा लिखा हुआ होता है, जिसे जीरो होता है, और इसका ये हिस्सा भी ब्लैक होता है। मैं आपको सभी SMD कंपोनेंट रजिस्टर जो होते हैं उनके पिक वीडियो भी दिखाऊंगा। वीडियो काफ़ी बड़ा होने वाला है, अगर आपके पास समय नहीं है तो इसको सेव कर लीजिए, बाद में देखिएगा। तो देखिए ये है फ्यूज़ रजिस्टर, जिसके ऊपर जीरो लिखा हुआ होता है वो फ्यूज़ रजिस्टर होता है, और ये रिंगर IC के आसपास आपको देखने को मिल जाते हैं। ये रिंगर IC में ज़्यादा, रिंगर सप्लाई में ज़्यादातर लगे हुए होते हैं। तो अभी आप जो PCB देख रहे हो ये है Redmi 6A की PCB, और इसमें ये दो रजिस्टर हैं, और ये रिंगर IC है, और इसमें इसकी सप्लाई आ रही है। ये देखिए कुछ और फ्यूज़ रजिस्टर हैं जो कि एक ओल्ड PCB में मुझे देखने को मिले यहाँ पर, और काफ़ी तादाद में यहाँ पर ये फ्यूज़ रजिस्टर हैं यहाँ पर, जिसके ऊपर ज़ीरो लिखा हुआ है। ये देखिए एक और फ्यूज़ रजिस्टर, ठीक है। और ये क्लास जो है फर्स्ट क्लास करा रहा हूँ, क्लास 1 है ये। इससे पहले मैंने सिर्फ मोबाइल रिपेयरिंग की डिटेल दी थी, और कुछ पुरानी वीडियो मोबाइल कैसे खोले जाते हैं उनके बारे में भी पहले से मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं, वो आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये क्लास 1 है, और ये इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आता है, इसको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। तो मोबाइल रिपेयरिंग स्टार्टिंग करने से पहले मोबाइल को खोलना बताया जाता है, उसके बाद जब मदरबोर्ड दिखाते हैं, प्लेट दिखाते हैं, तो उसके अंदर जो कंपोनेंट लगे हुए होते हैं उन कंपोनेंट की हम यहाँ पर आपको जानकारी दे रहे हैं। तो ये था रजिस्टर। तो ये है कपल रजिस्टर या फिर पैक रजिस्टर। इसमें क्या होता है, एक या दो या फिर तीन या फिर चार या पांच रजिस्टरों को आपस में चिपका दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, जिसको हम पैक रजिस्टर कह देते हैं या फिर कपल रजिस्टर कह देते हैं। देखने में बिल्कुल ही नॉर्मल रजिस्टर जैसा ही होता है, लेकिन नॉर्मल रजिस्टर एक सिंगल लगा हुआ होता है, और ये कपल रजिस्टर जो होते हैं वो आपस में चिपके हुए होते हैं, तीन चार पाँच या और भी ज़्यादा हो सकते हैं, और ये नेटवर्क सेक्शन में आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये जो रजिस्टर आप देख रहे हैं ये दो
आपस में जुड़े हुए रजिस्टर हैं, जिसको हम कपल रजिस्टर या पैकेज रजिस्टर कहते हैं, जो कि दो चिपके हुए हैं आपस में। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर चार रजिस्टर आपस में चिपके हुए हैं और ये कपल रजिस्टर है, जुड़ा हुआ रजिस्टर कह सकते हैं इसको। यहाँ पर भी रजिस्टर है ये, यहाँ पर भी आप देख रहे हो जुड़ा हुआ रजिस्टर है, ये भी जुड़ा हुआ है। कोड टाइप रजिस्टर जो होता है वो दोनों साइड से मेटल होता है, बीच से ब्लैक होता है, लेकिन इसके अंदर कुछ नंबर लिखे हुए होते हैं, जैसे R202, R101, मतलब कि इस रजिस्टर का एक फिक्स कोड होता है, उसके ऊपर कुछ नंबर लिखे होता है, जैसे कि यहाँ पर हम लिख देते हैं R202, ठीक है, इसकी जगह R202 की जगह कुछ और भी लिखा हो सकता है, कुछ नंबर लिखे होते हैं, कुछ कोड लिखे हुए होते हैं। ये कोड किस लिए है? ये इसकी वैल्यू के लिए है। आप नेट पर सर्च करेंगे, गूगल सर्च करेंगे, तो इस कोड के थ्रू आप सेकंडों में पता कर सकते हैं कि रजिस्टर किस सेक्शन का है और कितनी वैल्यू का है। और यहाँ पे देखिए एक नया टाइप का रजिस्टर है, इसको कहते हैं हम कोड रजिस्टर, जिसके ऊपर कुछ नंबर लिखा हुआ होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है 225, तो ये कोड टाइप रजिस्टर है, दोनों साइड से मेटल है और बीच से ब्लैक है। ये देखिए एक कोड टाइप रजिस्टर है जिसके ऊपर R22 लिखा हुआ है और इसका साइज बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है ये। इसी तरह आप देख रहे हो ये जियो का एक फ़ोन है, इसके बैटरी कनेक्टर के पास में ये R020 नाम से एक रजिस्टर लगा हुआ है। VDR वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, ये भी ब्लैक होता है, मेटल होता है दोनों साइड से, देखने में ये नॉर्मल रजिस्टर की तरह ही आपको देखने को मोबाइल में मिलेगा। एक और रजिस्टर होता है जिसको हम बोलते हैं थर्मिस्टर, ये थर्मिस्टर टेम्परेचर कंट्रोलिंग के लिए लगाया जाता है, देखने में ये भी नॉर्मल रजिस्टर की तरह आपको दिखेगा, लेकिन इसके सेमेस्टिक डायग्राम जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जिनकी पहचान नहीं हो सकती है उनके हम सेमेस्टिक डायग्राम देख करके ही बता सकते हैं कि ये कौन सा रजिस्टर है। चलिए एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, रजिस्टर नॉर्मल टाइप के जो रजिस्टर होते हैं वो दोनों साइड से मेटल होता है और बीच से ब्लैक होता है। फ्यूज रजिस्टर जो होते हैं उसमें एक जीरो लिखा हुआ होता है, दोनों साइड से मेटल होता है और ये रिंगर सप्लाई में अक्सर आपको देखने को मिलेगा। कपल रजिस्टर या फिर पैक रजिस्टर, ये एक नॉर्मल जैसा रजिस्टर होता है वैसा ही रजिस्टर है देखने में, लेकिन एक या दो या फिर तीनों को चिपका दिया जाता है और चिपकाने के बाद वो नेटवर्क सेक्शन में लगा हुआ आपको देखने को मिलेगा, नेटवर्क सेक्शन का ही रजिस्टर होता है। कोड टाइप रजिस्टर, ये कोड टाइप के जो रजिस्टर होते हैं वो बैटरी कनेक्टर के पास में या फिर चार्जिंग की सप्लाई में आपको देखने को मिलते हैं, उसके ऊपर कुछ नंबर लिखा हुआ होता है, R202, R204 या R100 या कुछ भी ऐसी कोई वैल्यू लिखी हुई होती है। ये भी दोनों साइड से मेटल होता है, बीच से ब्लैक होता है। नेक्स्ट है VDR वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, ये भी नॉर्मल रजिस्टर की तरह ही होता है देखने में, दोनों साइड से मेटल और बीच से ब्लैक होता है और नॉर्मल रजिस्टर की तरह देखने को मिलेगा, लेकिन इसका सेमेस्टिक डायग्राम डिफरेंट होता है, अलग होता है। सेमेस्टिक डायग्राम के थ्रू ही हम पता कर सकते हैं कि ये VDR है या फिर नॉर्मल रजिस्टर है, आगे मैं बताऊंगा किस तरह से पहचानेंगे। नेक्स्ट है थर्मिस्टर, ये भी दोनों तरफ साइड से मेटल होता है और बीच से ब्लैक होता है और मोबाइल की जो PCB में ये चार्जिंग में नेटवर्क सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा और इसका वर्क होता है टेम्परेचर कंट्रोल करना। चलिए अब बात करते हैं ग्राफिक सिंबल्स के बारे में। ग्राफिक सिंबल हमें सेमेस्टिक डायग्राम में देखने को मिलेंगे। सेमेस्टिक डायग्राम मोबाइल की मदरबोर्ड का एक नक्शा होता है जिसमें बताया जाता है कि कौन सी सप्लाई कहाँ जा रही है, किस IC में जा रही है, तो वहाँ पर नक्शे के अंदर पूरा रजिस्टर नाम ना लिख करके वहाँ पर इस तरह के सिंबल बना देते हैं जिनको हम ग्राफिक सिंबल कहते हैं। तो नॉर्मल जो रजिस्टर होता है उसका ऐसा या फिर ऐसा सेमेस्टिक डायग्राम में आपको सिंबल देखने को मिलेगा, R लिखा हुआ होगा, ये नॉर्मल रजिस्टर का होता है, ठीक है। पुराने सेमेस्टिक डायग्राम में कुछ इस तरह से बनाते थे, आजकल की जो सेमेस्टिक डायग्राम है उसमें इस तरह का सिंबल आपको देखने को मिलेगा। सेकंड है फ्यूज रजिस्टर, फ्यूज रजिस्टर नॉर्मल जैसे रजिस्टर होता है उसी तरह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पैक जो रजिस्टर होता है उसमें सेम ऐसा दिखाया जाएगा, एक रजिस्टर है, दो रजिस्टर हैं, तीन रजिस्टर हैं, तो उसको तीन सिंबल बनाएंगे, चार हैं तो चार सिंबल बनाएंगे, पाँच है तो पाँच सिंबल बनाएंगे और उसको इस तरह से पैक करके R लिख देते हैं उसके ऊपर, R मतलब रजिस्टर। ये जो R लिख रहे हैं इसको कहते हैं हम डेनोटिंग लेटर, यानी कि इसका जो नाम होता है वो सेमेस्टिक डायग्राम के अंदर R से रिप्रेजेंटेड किया जाता है, बताया जाता है। इसके अलावा फिर है कोड टाइप रजिस्टर, कोड टाइप रजिस्टर भी बिल्कुल सेम ही सिंबल होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा VDR में और थर्मिस्टर के अंदर। VDR के अंदर कुछ इस प्रकार का सिंबल होता है, ऐसे करके इसको
शो किया जाता है। एक बार और बना लेता हूँ। आप देख पा रहे होंगे किस तरह से इसको दिखाया गया है BDR को। इसी तरह ये जो थर्मिस्टर है उसको भी इसी तरह से दिखाया गया, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, इसके अंदर ये हिस्सा नहीं होता है ये, ठीक है। तो नॉर्मल आपको ये सिंबल आपको देखने को मिलेंगे, ये वाले जो थे अब बंद हो चुके हैं, अभी आते नहीं है, पुराने सेमेस्टिक डायग्राम में आपको देखने को मिलते थे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सेमेस्टिक डायग्राम का जो सिंबल होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं रजिस्टर क्या होता है। मोबाइल PCB या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में लगाए जाने वाला पुर्जा जिसके द्वारा विद्युत धारा AC, DC या फिर फ्रिक्वेंसी के मान में अवरोध पैदा किया जाता है रजिस्टर कहलाता है। तो यहाँ पर मैंने चार रजिस्टर के नाम लिखे हैं जिनका सेम वर्क होता है, यह करंट को रोकता है या आप कह सकते हैं करंट के रास्ते में अवरोध पैदा करता है। तो दोस्तों बात करते हैं थर्मिस्टर की, ये टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं VDR। चलिए अब बात करते हैं VDR के बारे में, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। ये रजिस्टर ऐसा होता है, देखने में नॉर्मल रजिस्टर की तरह ही होता है, और हम इसको सेमेस्टिक डायग्राम के जरिए ही देख सकते हैं, पता कर सकते हैं कि ये VDR है। सेमेस्टिक सिंबल को देख करके ही बता सकते हैं कि ये VDR है। तो अब बात करते हैं इसके वर्क के बारे में। तो ये जो वर्क करता है वो ये है, जब वोल्टेज कम होते हैं तो रेजिस्टेंस को ये बढ़ा देता है और यह करंट को पास नहीं करता, और जब वोल्टेज ज़्यादा होते हैं तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो यह करंट को बहुत कम पास करता है। चलिए अब हम बात करते हैं SI यूनिट के बारे में। रजिस्टर का जो SI यूनिट होता है वो ओम्स होता है, इसको ओम्स कहा जाता है। इसका सिंबल कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, मीटर वगैरह में आपको ऐसा देखने के लिए मिलता है। साथ ही मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसका डेनोटिंग लेटर जो होता है वो R होता है, यानी कि सेमेस्टिक डायग्राम में इसको रजिस्टर ना बोल करके R बोला जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको रजिस्टर के बारे में समझ में आया होगा। यहाँ पर मैंने जो भी बताया है आपको वो SMD रजिस्टर के बारे में बताया है। रजिस्टर बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे जो मोबाइल के अंदर यही रजिस्टर देखने को मिलते हैं। ये है डिजिटल मल्टीमीटर, ये बहुत सस्ती कॉस्ट का मल्टीमीटर होता है, 140 रुपीज़ के आसपास आपको मार्केट में देखने को मिल जाता है, और ज़्यादातर टेक्नीशियन इसी को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये डिजिटल मल्टीमीटर है, सुई वाला जो मीटर आता है उसको एनालॉग मीटर कहते हैं। अभी जो मीटर है ये ऑफ है, यहाँ पर ऑफ रहता है, ये इसकी नॉब है और इस नॉब को हम घुमाएंगे और यहाँ लेकर के आएंगे। आप यहाँ पर सिंबल देख रहे होंगे छोटा सा, ये ओम्स का सिंबल है, यानी कि यहाँ पर हम रजिस्टर चेक कर सकते हैं, जो भी रजिस्टर मोबाइल के अंदर लगे होते हैं वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आपको ये आएगी कि हर बार आपको मीटर की वैल्यू को सेट करना पड़ेगा। यहाँ हम चेक करेंगे रजिस्टर, ये रजिस्टर की वैल्यू है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम रजिस्टर मीटर को बार बार सेट करेंगे और इसको सेट करके चेक करेंगे। जबकि अब के जो कुछ महंगे कॉस्टली जो मीटर होते हैं ना, उसमें डायरेक्टली आप वैल्यू पे सेट कर देंगे तो वहाँ पर मीटर को बार बार सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये सस्ता मीटर है, यहाँ हमें बार बार ज़रूरत पड़ेगी रजिस्टर को चेक करने के लिए वो कितने वैल्यू का है, तो उसको बार बार सेट करेंगे यहाँ पर। तो चलिए मैं आपको एक रजिस्टर चेक करके दिखाता हूँ, पहले एक नॉर्मल मीटर से फिर एक प्रोफेशनल मीटर से। मैंने 2000 के पे रख करके इसको चेक किया, लेकिन वैल्यू शो नहीं की क्योंकि ये इसकी रेंज से बाहर हो गया, इसकी वैल्यू बहुत ही कम है रजिस्टर की। चलिए हम 200 ओम्स पर रख के चेक करते हैं इसको। यहाँ देखिए ये 240 ओम्स का रजिस्टर है, यहाँ से सही वैल्यू शो की। तो यहाँ पर आपको बार बार मीटर को सेट करना पड़ेगा, उसकी रेंज को बढ़ाना घटाना बढ़ाना होगा। मान लीजिए कोई रजिस्टर 1K का है, ठीक है, आप 200 ओम्स पे चेक करेंगे तो नहीं हो पाएगा, 2000 पे करेंगे नहीं हो पाएगा, 20K पे रखेंगे तो हो जाएगा क्योंकि 1K का रजिस्टर है, यानी कि 1000 किलो ओम्स का। तो दोस्तों रजिस्टर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, मीटर के दोनों वायर रजिस्टर के ऊपर लगाएंगे, ठीक है,
इस तरह से, कहीं दूसरी जगह टच नहीं होना चाहिए मीटर, इस तरह से लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसकी रेंज या तो ज़्यादा है या फिर रजिस्टर ये ख़राब है। तो हम रेंज इसकी बढ़ाते हैं मीटर की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 963-62 के आसपास वो फ्लैक्चुएट करता रहता है क्योंकि वायर ठीक से टच नहीं रहते हैं। और साथ ही हमें ये भी पता लग रहा है कि यहाँ पर रजिस्टर ये ठीक है, वैल्यू जब शो हो जाती है तो पता लग जाता है कि जी रजिस्टर ये ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये दिखा रहा है 16.4, ठीक है, ये 16.4 के का रजिस्टर है। जी हाँ, ये लगभग थोड़ी वैल्यू शो कम करता है क्योंकि मीटर के जो वायर होते हैं वो रेजिस्टेंस को थोड़ा सा कम शो करते हैं इस टाइप के मीटर में, और इसलिए रजिस्टर की वैल्यू चेक करने के लिए ये मीटर ठीक नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि रजिस्टर ठीक है या ख़राब है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 16.34 समथिंग ये रीडिंग दिखा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये 16K से ज़्यादा का रजिस्टर है, 17K मान सकते हैं आप इसे, ठीक है। अब मैं आपको एक प्रोफेशनल मीटर से इनकी वैल्यू चेक करके दिखाता हूँ जो कि ऑटो डिटेक्ट करेगा कि रजिस्टर कितनी वैल्यू का है। ये देखिए फ्लूक कंपनी का मीटर है, और यहाँ पर सीधा हम रजिस्टर चेक कर सकते हैं, डायोड चेक कर सकते हैं, और ये बज़र मूड है यहाँ पर। तो अभी ये रेजिस्टेंस मूड में है, आपको सिंबल नज़र आ रहा होगा यहाँ पर रजिस्टर का। वायर लगाता हूँ किसी रजिस्टर के ऊपर, आप देखिएगा यहाँ पर घुमाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी नॉब को, और ये डायरेक्टली आपको वैल्यू शो कर देगा। तो ये देखिए 13.93K वैल्यू शो कर रहा है। तो मैंने फिर बता रहा हूँ आपको कि वैल्यू थोड़ी सी कम शो करेगा, लगभग 14K का रजिस्टर है, 14K का, ठीक है। और देखिए दूसरा एक और रजिस्टर हम चेक करते हैं, ये देखिए वायर कहीं और टच नहीं होना चाहिए, अगर टच हुआ तो वैल्यू वहाँ पर चेंज होती रहेगी। यहाँ देखिए आप 9.6 वैल्यू का रजिस्टर है, यानी कि 10K का रजिस्टर है यहाँ पर ये। तो दोस्तों यहाँ पर नोब चेंज करने की ज़रूरत आपको बार बार नहीं पड़ेगी इसमें, और ज़रूरी नहीं, आप ये थोड़ा महंगा मीटर है फ्लूक 101, आप यूनिटी नाम से और मैकेनिक नाम से कुछ मीटर आते हैं वो ले सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, और उसमें भी आपको बार बार सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटो डिटेक्ट कर लेता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 11.5 वैल्यू शो कर रहा है, तो लगभग ये 12 किलो ओम्स का रजिस्टर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लगभग 11.5 वैल्यू शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये 12K का रजिस्टर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको चेकिंग समझ में आ गई होगी। रजिस्टर जो होता है वो ओपन ही होता है, शॉर्ट मैंने अभी तक कोई रजिस्टर नहीं देखा है, लेकिन शॉर्ट हो भी सकता है किसी सर्किट में, ठीक है। कुछ रजिस्टर ऐसे भी होते हैं जो 0 ओम्स के होते हैं, फ्यूज़ की तरह वर्क करते हैं, उनकी वैल्यू 0 होती है। देखिए कोड टाइप रजिस्टर है ये, 0.8 ओम का वैल्यू है इसका, और ये 9.74 वैल्यू का रजिस्टर है। ओके, अगर कोई रजिस्टर ख़राब होगा वो ना तो कोई वैल्यू शो करेगा, अगर आप बजर मोड में आप चेक करेंगे उस रजिस्टर को तो वहाँ पर कोई भी रीडिंग नहीं आएगी, ना ही किसी तरह की बीप आएगी। तो दोस्तों सारे जो रजिस्टर होते हैं वो इसी प्रकार से चेक होंगे, मीटर को आप रेजिस्टेंस मोड में सेट करेंगे और मीटर के दोनों वायर लगाएंगे, अगर वो वैल्यू शो करता है तो वो ठीक है, अगर वैल्यू शो नहीं कर रहा है तो रजिस्टर ख़राब है। और ख़राब होने पर क्या करना है, जितने भी रजिस्टर हैं उनमें जंपर नहीं लगता है, सभी में जंपर नहीं लगता है रजिस्टर ख़राब होने पर, केवल 0 ओम्स का जो रजिस्टर होता है उसमें हम जंपर लगा सकते हैं, अदर रजिस्टरों में हम जंपर नहीं लगा सकते, उसमें हमें रजिस्टर जो होता है चेंज करना ही होता है जब वो रजिस्टर ख़राब हो जाता है। तो
तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।